नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नो माइंड चैनल को। दोस्तों, वीवो ने एक अपना नया फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो वीवो Y93 एक नाम से। हालांकि ये फोन पहले ही चाइना में लॉन्च हो चुका है, लेकिन जो चाइना में वेरिएंट लॉन्च हुआ है उससे अलग ये काफी फोन आपको देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, काफी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर भी वहां अलग था चाइना में जो लॉन्च हुआ है। तो आज के वीडियो में इसी फोन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और इसी प्राइस के लगभग में इंडिया में देखने को मिलता है आसूस का ZenFone Max Pro M2, जो कि काफी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और काफी अच्छा वो भी फोन है। तो दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि काफी लोग सोच रहे हैं कि दोनों में से कौन सा फोन अच्छा रहेगा, किस फोन का कैमरा अच्छा है, किस फोन का प्रोसेसर अच्छा है, किस फोन की बैटरी अच्छी है। तो आज के वीडियो में यही डाउट क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए और बताऊंगा कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, वैल्यू फॉर मनी कौन सा रहेगा, पैसा भी सही लगे और फोन भी सही मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन की डिजाइन और डिस्प्ले की। तो वीवो Y93 में बैक साइड में काफी अच्छा आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, डुअल कलर देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और इस फोन में फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप कनौज देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं आसूस ZenFone Max Pro M2 की, तो इसका भी डिजाइन बैक साइड में काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा और इस फोन में बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले डिजाइन की, तो इसमें आपको फ्रंट साइड में देखने को मिलेगा सिंपल सा नॉच, इस फोन में आपको वाटर ड्रॉप कनौज देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों फोन की डिस्प्ले की, तो वीवो Y93 आपको देखने को मिलेगा 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले, इस फोन में आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं आसूस ZenFone Max Pro M2 की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.26 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, इस फोन में आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को जरूर मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि कह सकते हैं कि इस प्राइस में किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब अगर आपका फोन गलती से गिर भी गया तो इसका जो ग्लास है, जो आपका डिस्प्ले है, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। बात करते हैं अब दोनों फोन की कैमरा की, तो वीवो Y93 बैक साइड में पहला जो कैमरा रहेगा आपका 13 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर 2.2 देखने को मिलेगा। सेकेंडरी जो कैमरा रहेगा आपका 2 मेगापिक्सल का रहेगा। आसूस ZenFone Max Pro M2 में देखने को मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा उसका अपर्चर आपका 1.8 रहेगा। तो कह सकते हैं कि लो लाइट में अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा आसूस के फोन में। फ्रंट कैमरा की बात करें तो वीवो Y93 में आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर 1.8 रहेगा। और वहीं आसूस के ZenFone Max Pro M2 में देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर 2.0 रहेगा। तो सेल्फी कैमरा के मामला में कह सकते हैं कि वीवो Y93 का जो कैमरा है थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन लो लाइट में इसमें आपको अच्छी फीचर देखने को जरूर मिलेगी। वहीं आसूस के फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, तो इस फोन का भी सेल्फी कैमरा अच्छा देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि दोनों में से किस फोन का सेल्फी सबसे अच्छा रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि आसूस का ZenFone Max Pro M2 का जो सेल्फी कैमरा रहेगा वो थोड़ा सा अच्छा जरूर देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो वीवो Y93 में देखने को मिलेगा MediaTek का Helio P22 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि 2 GHz पे रन करता है और ये प्रोसेसर आपको 12 नैनोमीटर से बना है, तो काफी अच्छा प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। बात करते हैं आसूस ZenFone Max Pro M2 के प्रोसेसर की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 660 प्रोसेसर, जो कि 1.9 GHz पे रन करता है और ये जो प्रोसेसर है आपको 14 नैनोमीटर से बना है। तो कह सकते हैं प्रोसेसर दोनों ही फोन का अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से Qualcomm का Snapdragon 660 आगे रहेगा आपका वीवो के Y93 के प्रोसेसर से। बात करते हैं दोनों फोन की रैम और स्टोरेज की, तो वीवो Y93 में आपको सिंगल ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि 4GB रैम के साथ में 32GB मेमोरी रहेगा। और वहीं आसूस ZenFone Max Pro M2 में देखने को मिलेगा पहला जो वेरिएंट रहेगा 3GB रैम 32GB मेमोरी, दूसरा जो वेरिएंट रहेगा 4GB रैम 64GB मेमोरी और तीसरा जो वेरिएंट रहेगा आपका 6GB रैम और 64GB मेमोरी। बात करते हैं दोनों फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS की, तो वीवो Y93 में देखने को मिलेगा Android 8.1 Oreo और आसूस ZenFone Max Pro M2 में देखने को मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड, जो कि 8.1 पे काम करेगा। और बात करते हैं दोनों फोन की बैटरी की, तो आसूस के फोन में आपको मिलेगा 5000mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी, तो बैटरी के मामला में काफी आगे रहेगा आसूस का फोन, हालांकि वीवो Y93 में भी पीछे नहीं रहेगा, इस फोन में भी आपको मिलेगा 4030mAh की बैटरी। अब मेन बात करते हैं दोनों फोन की प्राइस की, तो वीवो Y93 जो सिंगल ब्रांड के साथ में लॉन्च हुआ इंडिया में, इसका प्राइस रखा गया 13,990 रुपया और आसूस ZenFone Max Pro जो पहला ब्रांड है इसका 3GB रैम 32GB, इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 12,999 रुपया और जो दूसरा ब्रांड है 4GB रैम 64GB, इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 14,999 रुपया और जो तीसरा ब्रांड है 6GB रैम और 64GB, इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 16,999 रुपया। तो दोस्तों बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे आपका फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा आसूस के फोन में, प्रोसेसर में भी आगे देखने को मिलेगा आसूस का ही फोन, बैटरी में भी आगे देखने को मिलेगा आसूस का ही फोन। अगर ओवरऑल पैकेज की बात करें तो आपको बिल्कुल सही रहेगा, आपको 12-13 हज़ार में जो फोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको आसूस ZenFone Max Pro M2 जो है बिल्कुल सही रहेगा। वैसे वीवो Y93 भी एक अच्छा फोन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी हाई रखी गई है। अगर इस फोन का प्राइस अगर थोड़ा सा डाउन रहता तो ये भी फोन बहुत ही अच्छा रहता। दोस्तों मुझे लग रहा है कि दोनों फोन में से आसूस ZenFone Max Pro आपके लिए सही रहेगा, वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं स्मार्टफोन की अपडेट आप लोगों के लिए सबसे पहले लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।